आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम फिजिक्स के चैप्टर्स को देख रहे हैं, बेसिक्स से शुरू कर रहा हूं, हाई लेवल तक जाऊंगा। तो अभी तक हमने काफी कुछ देखा है। हमने देखा था कि फिजिक्स क्या होती है, मैंने आपको क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स का एक ग्लिम्स दिया था। उसके बाद मैंने स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फिजिक्स बताए थे, पोजिशन वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करना और मोशन क्या होता है, 1D, 2D, 3D, ये सब बताया हुआ है, जरूर देखिएगा। कोऑर्डिनेशन सिस्टम, डायमेंशंस भी बताया था। आसानी से आपको सब कुछ क्लियर होगा। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और इनर्शिया क्या होता है। दो दिन में दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं कि studyglobes.com हमारी वेबसाइट से PDF मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, इसी हिसाब से मैं कर रहा हूं। वैसे मुझे पता है आती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपको कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। चलिए कॉलेज जाना है, ठीक है। तो आपने बाइक निकाली अपनी, बढ़िया अपाचे, पल्सर या जो भी है, आप उस बाइक में बैठे और आप जा रहे हैं। अब आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है ना, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपकी बाइक की, गाड़ी की स्पीड है, यूनिफॉर्म है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं। तभी आपका दोस्त एकदम से सामने आता है और बोलता है, रुको भैया, बिल्कुल रुक जाओ, और आप ब्रेक मारते हैं। यही है फर्स्ट लॉ। एवरी ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड, या ऑल ऑब्जेक्ट्स मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड अनलेस एज एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। हर ऑब्जेक्ट एक स्टेडी स्पीड से दोस्तों मूव करेगा, और जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। आपकी बाइक जा रही थी आराम से 50 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन आपका दोस्त जो एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक दूसरा बल है, जब तक उसने नहीं रोका तब तक आप रुके। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, हमको हर वक्त कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक मटेरियल ऑब्जेक्ट को हमेशा अपोज करती ही करती है। अगर वो नहीं करेगी तो, अगर वो मोशन में है तो चलता ही जाएगा, आप चलते हैं। अगर आपकी बॉडी फोर्स एक्ट ना करे, एक्सटर्नल एजेंट नहीं एक्ट करे, तो क्या आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, मोशन करते ही जाएंगे। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, अभी इनर्शिया हम जानेंगे। यही है वैसे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोला जाता है। इनर्शिया के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का? अब भैया, ऐसा है कि आप जा रहे हैं आराम से और आपको आपके दोस्त ने रोक लिया। अब आपने आपके दोस्त ने आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया, और उसके बाद आपको कॉलेज के लिए काफी देर हो गई। प्रॉब्लम है, आपको पहुंचना है जल्दी कॉलेज। अभी तक आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, अब आपने स्पीड बढ़ा ली, बोला अब तो मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा। बाप रे बाप भैया, कभी भी तेज गाड़ी मत चलाइए दोस्तों। विनती है मेरी आपसे, दुर्घटना से देर भले ही थोड़ा देर में पहुंच जाओ, लेट हो जाओ, लेकिन गाड़ी ठीक से चलाओ। एक सेकंड की मिस्टेक, एक सेकंड की गलती आपकी जिंदगी को खत्म कर सकती है। तो प्लीज इस बात को समझिए, जिंदगी बहुत कीमती है, तो आराम से गाड़ी चलाइए। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो आपने बोला कि अब मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पाप रे, आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट की, आप जितना ज्यादा अपनी गाड़ी पे फोर्स लगाएंगे, आपकी गाड़ी पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, गाड़ी उतनी ज्यादा एक्सेलरेट होगी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, बताया था ना मैंने, DV/DT, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे एक घंटे में आपकी स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर थी, 2 घंटे में आपकी 70 हो गई, ऐसे आपने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी स्पीड बढ़ाई, वो होता है एक्सेलरेशन। और जब फोर्स लगेगा तो आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो दूसरा लॉ होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉजेस एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DP/DT, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी को दोस्तों मोमेंटम कहते हैं, M × V, अब इसकी भी बात करेंगे। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ मैं दोस्तों लॉ समझा रहा हूं, फोर्स पे भी आएंगे, अगले लेक्चर में हम फोर्स की बात करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तीसरा लॉ सबसे आसान है, आपने ब्रेक मारा, कॉलेज टाइम पे पहुंचे, आपने ब्रेक मारा, आप भी आगे झुके, एक्शन था उसका रिएक्शन हुआ। अक्सर ये थर्ड लॉ सबसे फेमस है।
अक्सर बहुत लोग टॉन्ट मारने में भी यूज करते हैं, स्पेशली जब किसी को पीटना होता है, कि भैया थर्ड लॉ है, हर इक्वल एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है. सो एवरी एक्शन इज इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन. फर्ज के तौर पे जैसे मान लीजिए, चलिए न्यूटन साहब का एग्जाम्पल लेते हैं. न्यूटन भैया एक दिन पेड़ के नीचे लेटे थे, उनके ऊपर एप्पल गिरा, ठीक है, सेब गिरा, तभी तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली, न्यूटन लॉ बन गए. तो अब दोस्तों ऐसा है कि अगर ये एप्पल क्यों गिरा, क्योंकि इस धरती की फोर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेब को खींचा, तभी तो गिरा ना. सेब भी उतनी ही फोर्स से इस धरती को खींच रहा है, याद रखिएगा दोस्तों. अगर ये हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, ये आपको खींच रही है, तभी तो हम लोग भैया सब धरती से जुड़े हुए हैं ना, स्पेस पे निकल जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा. तो आप भी उतनी ही फोर्स से इस धरती को खींच रहे हैं, तभी आप खड़े हुए हैं, क्योंकि फोर्स बैलेंस कर रही है एक दूसरे को, चल पा रहे हैं, वरना नहीं चल पाते. तो दोस्तों हर एक फोर्स का, हर एक इक्वल फोर्स का एक ऑपोजिट फोर्स, एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, फोर्स की एक रिएक्शनरी फोर्स, ये तीन लॉ है. अब आते हैं इनर्शिया पे. दोस्तों इनर्शिया होता क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है कि देखिए, इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इलस्ट्रेट करता हूं मैं. आपकी बॉडी खुद से कुछ नहीं करने वाली, मतलब अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, बैठे ही रहेंगे ना, आपकी बॉडी खुद से मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है, रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी. आप बैठे हुए तब से, आपके भैया ने बोला चलो बैठे रहते हो, एक्सटर्नल फोर्स आपके भैया है और आपको फिर ले गए, यानी कि आपका जो रेस्ट था अब वो मोशन में तब्दील हो गया. इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया. खुद से कोई कुछ नहीं चेंज करेगा, आप रेस्ट पे ही रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी. तभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. भैया सब कुछ यूनिफॉर्म है, मतलब इनर्शिया है हर चीज, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगी आप रुकेंगे. समझे आप, ये तीन में डिवाइडेड है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगने से पहले आपकी बॉडी रेस्ट पे है, एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी आपकी बॉडी रेस्ट पे रहेगी, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब जब आप बस में खड़े होते हैं, बस सडनली स्टार्ट हो जाती है चलना, होती है कि नहीं, और जब वो एकदम से चलना स्टार्ट होती है, आप खड़े हुए हैं, आपको पीछे का जर्क लगता है, पीछे की तरफ जाते हैं ना, बैकवर्ड मोशन होता है, तो वो किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब आपकी लोअर बॉडी तो भैया मूव कर रही है, लेकिन अपर बॉडी रेस्ट पे है. आप समझे कि नहीं, बस जब नहीं चली थी आपकी अपर बॉडी रेस्ट पे थी, और जब बस चल दी आपकी अपर बॉडी तब भी रेस्ट पे है, लोअर बॉडी मूव करी है, तभी तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी. उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब है कि बॉडी मोशन में है, एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी वो मोशन में ही रहेगी. इसका मतलब क्या हुआ कि बस जब रुकती है तो आपको जर्क लगता है, आप आगे की तरफ झुकते हैं ना, जब भैया ब्रेक लगता है, स्पेशली जब बहुत स्पीड में बस होती है, ठीक है, और जब स्पीड में बस होती है तो आप आगे की तरफ जाएंगे जैसे ही वो ब्रेक मारेगी. तो इसका मतलब क्या है कि आपकी अपर बॉडी तो मूव कर रही है जब एक्सटर्नल फोर्स लगी, लोअर बॉडी रेस्ट पे है. इसका मतलब आपकी अपर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और जैसे ही ब्रेक लगा वो फिर आगे बढ़ेगी. इसका मतलब आपकी बॉडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में थी और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की वो मोशन कर रही है. ये चीज समझ में आया, ठीक है. तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जैसे कि जब मान लीजिए कि जब टायर में कीचड़ लग जाता है, ठीक है, तो जब टायर में कीचड़ लगता है तो क्या होता है कि टायर के साथ साथ वो कीचड़ भी घूमता है और उसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, टेंजेंशियल फोर्स लगती है ना, तो उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. दोस्तों इनर्शिया ऑफ मोशन का एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिनको समझ में नहीं आया, कि जो एथलीट होते हैं, जो जंप करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले दौड़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को अटेन करते हैं, उसके बाद जब वो कूदने वाले होते हैं तो उनका यूनिफॉर्म मोशन फोर्स देता है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगी, वो जंप मारते हैं, मोशन में है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होने के बाद भी उनकी बॉडी मोशन में ही रहती है.
तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोमेंटम की बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये वेक्टर्स पी, यहां पे ये वेक्टर होगा, ठीक है, तो पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक हेवियर बॉडी है, एक ट्रेन है, ठीक है, और एक साइकिल है, ठीक है। अब दोस्तों वेलोसिटी तो चलिए ठीक है, लेकिन जब मास जुड़ जाता है तो वो क्वांटिटी में आ जाएगी। इसका मतलब मोमेंटम क्या हुआ, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब एक ट्रेन है और एक बाइसिकल है, भैया अगर ट्रेन किसी चीज से भिड़ेगी तो इंपैक्ट बहुत खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है ना। अगर बाइसिकल किसी पे एक्ट करेगी तो इतना ज्यादा नहीं होगा, उसका मास कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी जो होती है मोशन की, उसको क्या कहते हैं हम, मोमेंटम। तो आई होप आप समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, फोर्स को थोड़ा और अच्छे से स्टडी करेंगे अगले पार्ट में। मोमेंटम और फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। फोर्स कुछ नहीं होता, जब आपका मोमेंटम चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वही फोर्स होती है। तो ये दोस्तों हम अगले पार्ट में देखेंगे, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।